नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया राज। मेरठ के थाना ग्राम रसूलपुर में शादी वाले घर में डीजे बजाने को लेकर दो गुटों में पथराव हो गया। इस घटना के दौरान दोनों पक्षों की महिलाओं सहित कई लोग जख्मी हुए हैं। मामला अलग अलग संप्रदाय से जुड़ा होने के कारण सीओ मबाना कई थानों के फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। वह इस घटना के संबंध में एक पक्ष ने डेढ़ दर्जन नामजद महिला पुरुषों और 8 अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर दी है। तो क्या कुछ है पूरा मामला जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। यूपी से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल मेरठ में शादी वाले घर में 14 जुलाई को आधी रात तक डीजे बजाने पर दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने रात में तो मामला शांत करवा दिया, लेकिन फिर 15 जुलाई को बारात जाते समय दोनों पक्षों में फिर से झगड़ा हो गया। झगड़ा में पथराव हुआ जिसमें कई लोग घायल हो गए। मेरठ के थाना फलावदा के गांव रसूलपुर में सचिन नाम की युवक की शादी थी, जिसको लेकर 14 जुलाई को आधी रात्रि तक डीजे बजाए जाने को लेकर विवाद हुआ और दोनों संप्रदाय के लोगों में कहासुनी के बाद मारपीट हो गई। स्थानीय लोगों ने इस विवाद को रात को ही रफा दफा करवा दिया था, लेकिन 15 जुलाई को जिस समय बारात रवाना हो रही थी उस समय फिर से दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई। देखते ही देखते पथराव शुरू हो गया। काफी देर तक दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जबरदस्त पथराव किया। गांव में सड़कों पर ईंट पत्थर फैल गए। घटना के दौरान दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए। दो अलग अलग संप्रदाय के बीच संघर्ष की सूचना मिलते ही पुलिस में हड़कंप मच गया। आनन फानन में सीओ सौरभ तिवारी और थाना प्रभारी राजेश कुमार काम्बोज कई थाने की फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भिजवाकर बारात को रवाना कर दिया। वहीं इस घटना के संबंध में एसपी देहात कमलेश बहादुर ने बताया कि हरिराम के पुत्र मंगू ने थाने में डेढ़ दर्जन लोगों के खिलाफ नामजद समेत 8 अज्ञात के खिलाफ तहरीर दी है। उन पर डीजे बंद कराने को लेकर पथराव करने और जाति सूचक शब्द कहने का आरोप लगाया गया है। इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए गाँव में सुरक्षा के लिहाज से पुलिस तैनात कर दी गई है। गाँव में फिलहाल शांति है। थाना प्रभारी राजेश काम्बोज ने बताया कि फिलहाल रिपोर्ट दर्ज करके 3 नामजद लोगों को हिरासत में लिया गया है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।